हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंग क्या होते हैं। हमने ये जाना था कि अलग अलग परिस्थितियों में आपके कौन से अंक सार्थक होते हैं, कौन से सार्थक नहीं होते। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। द साइंटिफिक नोटेशन इज आइडियल फॉर रिपोर्टिंग मेजरमेंट, यानी जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, जब भी हम मापन करते हैं, तो अगर हम मापन को साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, प्रस्तुत करें वैज्ञानिक विधि में या वैज्ञानिक संकेतों में, अगर हम उसे एक्सप्रेस करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। बट इफ इट इज नॉट अडॉप्टेड, वी यूज द रूल्स अडॉप्टेड इन प्रीसीडिंग एग्जाम्पल। अगर हम इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं तो हमें इसको किस तरीके से लेना है ये आपको जानना है कि किस तरीके से हम रूल्स लेंगे ताकि हम इसे अडॉप्ट करें। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन वन विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यानी अगर आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है जो कि एक से बड़ा, ठीक है, तो ऐसे केस में, यानी ऐसा नंबर जो एक से बड़ा है जिसमें डेसिमल नहीं है, तो जो एंडिंग में जो जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी सार्थक होते हैं। जैसे कि 200। अगर आपके पास ये नंबर है इस केस में जो आपके जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर हो, ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक से बड़ा नंबर है और ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, यानी यहाँ पे जीरो सार्थक हो। इसी तरीके से अगर हम 10 की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो जीरो है वो ट्रेलिंग है, यानी पीछे आ रहा है, और ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें आपके पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, और ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल है, ठीक है, जिसमें क्या है, डेसिमल है, तो जो जीरो पीछे आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है, जो ट्रेलिंग जीरो होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, सार्थक होंगे। जैसे कि 2.0100, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 00 है ये क्या हो जाएगा, आपका सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 2.100, 3.100, तो यहाँ पे जो आपका देख सकते हैं आप जो जीरो है वो लास्ट में आ रहे हैं और ये जो जीरो होंगे ये आपके सिग्निफिकेंट होंगे, यानी सार्थक होंगे। यानी किसी भी मापन के प्रस्तुतिकरण की वैज्ञानिक संकेत विधि एक आदर्श विधि, परंतु यदि यह विधि नहीं अपनाई जाती तो हम पूर्वगामी उदाहरण में उल्लेखित नियमों का पालन करते हैं। एक से बड़ी बिना दशमलव वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं है, ठीक है। अगला है आपका दशमलव वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक अंक है, यानी कि ऐसी संख्या जो कि आपकी बड़ी होती है, एक से बड़ी होती है, ऐसी संख्याओं के लिए जो ट्रेलिंग जीरो है यानी जो लास्ट में जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, सार्थक नहीं होते। जैसे कि आपका 20, तो यहाँ पे जो ये पीछे जीरो आ रहा है ये सार्थक नहीं होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, आपका वन सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि आपकी 2। इसी तरीके से अगर हम 300 लें तो यहाँ पे आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर, और वही अगर आपके पास डेसिमल वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, तो इसमें जो लास्ट में जो जीरो आ रहे हैं वो क्या होंगे, वो आपके सार्थक अंक होंगे, ठीक है। तो पॉइंट के केस में जो लास्ट में आपके जीरो आते हैं वो सार्थक होते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल नंबर है
तो वहां पे जो लास्ट में 0 आ रहा है वो सार्थक संख्या या सार्थक अंक नहीं होता। इसी तरीके से अगर आपके पास ऐसी संख्या है, कैसी संख्या है जिसमें पॉइंट है, दशमलव है और जो दशमलव से पहले की संख्या है वो 1 से कम है, तो ऐसी संख्या भी या ऐसा जो 0 है वो भी या कोई भी जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट नहीं हो। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई संख्या है जैसे कि 0.125, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है आपके पास एक संख्या, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये नंबर है पॉइंट से पहले जो कि 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम में है, ये वाला आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये 0 आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है, जो कि डेसिमल से पहले, डेसिमल से लेफ्ट में। वही अगर हम बात करें कि ऐसा नंबर जो डेसिमल के पीछे है, 0.1250 आपके पास नंबर है, ठीक है, यहाँ पे जो 0 एंड पे है, ठीक है, वो आपका सिग्निफिकेंट होगा, ये आपका सिग्निफिकेंट होगा जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, लेकिन पॉइंट से जो पहले 0 है ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सार्थक अंक नहीं होगा। द डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन 1 लाइक 0.1250 इज नेवर सिग्निफिकेंट। यानी आपके पास एक डिजिट है, नंबर है जिसमें पॉइंट से पहले, ठीक है, या फिर वो नंबर 1 से छोटा है, तो जो पॉइंट से पहले 0 आया है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में या बाई ओर जो 0 आया है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, वो सार्थक नहीं होता। यानी इस केस में आपके पास कितनी वैल्यू है, 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू। वही अगर आपके पास क्या हो, हाउएवर द 0 एट द एंड ऑफ सच नंबर आर सिग्निफिकेंट इन मेजर, वही आपके पास एक नंबर है जहां पे 0 लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 कहाँ पे है, लास्ट में, तो ये जो 0 होगा ये सिग्निफिकेंट होगा, यानी यहाँ पे आपके पास 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। पॉइंट से पहले 0 होगा सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, पॉइंट के बाद राइट साइड में लास्ट में अगर 0 है तो वो आपका सिग्निफिकेंट होगा। 1 से छोटी संख्या में परस्पर पारस्परिक रूप से दशमलव की बाई ओर लिखा शून्य जैसे 0.1250 कभी भी सार्थक अंक नहीं होता, तथापि किसी माप में ऐसी संख्या के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। नेक्स्ट है आपका द मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नाइदर राउंडेड नंबर नॉर नंबर रिप्रेजेंटिंग मेजर वैल्यू आर एग्जैक्ट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। यानी अगर आपके पास जो फैक्टर्स है वो मल्टीप्लाई यानी गुणन और विभाजक कारक की अगर हम बात करें, इस केस में जो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी वो इनफाइनाइट हो सकते हैं यानी अनंत हो सकते हैं। गुणक या विभाजी कारक जो ना तो पूर्णांकित संख्याएं होती हैं और ना ही किसी मापित मान को निरूपित करती है, यथार्थ होती है और उनमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। यानी जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं या जो आपके ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो आपके संक्रियाएं हैं, अंकीय संक्रियाएं हैं वो करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर के साथ या सार्थक अंकों के साथ किस प्रकार से ये होता है। पहला है इन मल्टीप्लाइंग और डिविजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जब भी आप गुणा या भागा करते हैं तो जो आंसर आता है उसमें उतने ही सार्थक अंक होते हैं, उतने ही सार्थक जो है
आपकी फिगर्स होती है जितने सबसे कम वाले में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 7.01 या आपके पास है 2.01। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है 14.10412। ठीक है, अब अगर हम इसके फाइनल रिजल्ट की बात करें तो इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जो कि आपने मल्टीप्लाई किया नंबर उसमें जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कम सिग्निफिकेंट फिगर आपका 7.01 में, क्योंकि यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, तीन सार्थक अंक है, वही 0.012 में चार सार्थक अंक। तो यहाँ पे भी आपके पास तीन होने चाहिए, तो ये आपके पास जाएगा 14.1। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो 14.1 होगा। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करते हैं यानी हम भाग देते हैं 4.372 आपके पास नंबर है, दूसरा नंबर है आपके पास 2.01। अब अगर आप इसे डिवाइड करें, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आया है वो 2.175 है। तो जब आप रिजल्ट बताएंगे तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, कितनी कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें जो डिवाइड हो रहे नंबर उनमें हो, तो आप देख सकते हैं 2.01 में आपके पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, तीन सार्थक अंक है, वही 4.372 पे आपके पास चार सार्थक अंक। तो आपका जो आंसर आएगा वो तीन में आएगा, यानी 2.17। ये इसका क्या आ गया आंसर, आप यहाँ पे 1.8 लिख, ठीक है, 2.18। तो ये आपका आंसर है, बेसिकली ये आपका राउंड ऑफ से हुआ है, इसको भी अभी हम डिस्कस करें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आपका In addition and subtraction, the final result should retain as many decimal places as are there in number with least decimal places. इसी तरीके से अगर हम जो है add और subtract करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं घटाते हैं, तो जो आपका final result होगा उसमें उतने ही significant number होंगे जितने की सबसे कम वाली संख्या में। ठीक है, तो संख्याओं के संकलन अथवा व्यवकलन से प्राप्त अंतिम परिमाण में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की संकलित या व्यवकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है 2.01 और 3.125। इनको आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं,
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है। अब आपका जो रिजल्ट होगा वो जो सबसे कम या छोटी जो जो आपके नंबर्स हैं उससे होगा, यानी जो आपका आंसर आएगा इस केस में वो आएगा आपका 5.13, 5.1, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप जो है एडिशन को करेंगे, इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन देखें, अगर आप माइनस करते हैं तो आपका कैसे होगा। आपके पास एक संख्या है, मान लीजिए 2.012, इसको आप माइनस करते हैं 1.01, ठीक है, तो आपके पास आएगा 200.1, यानी 1.002 आपके पास आ गया। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है आपकी 4, यहाँ पे है आपके पास 3, यहाँ पे है आपके पास 4, तो जो आपका आंसर आएगा वो सबसे छोटे वाले नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी 1.00 आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना। अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की, यानी अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, ठीक है, तो आप कुछ जो डिजिट्स हैं उनका पूर्णांकन कैसे करेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके भी आपके अलग अलग रूल हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, आपके पास नंबर है, मान लीजिए आपके पास है 2.795 और दूसरा नंबर है 2.791, ठीक है। अब हम यहाँ पे राउंड ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि ये जो है ये 4-4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसे हम 3 में बदलते हैं। तो अगर हम पहले वाला नंबर देखें तो आप जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपकी जो डिजिट है जिसे आप हटाना चाहते हैं वो अगर 5 या 5 से बड़ी, मान लीजिए 5 है, 6 है, ठीक है, 7 है, 8 है या 9 है, तो क्या होगा जब आप इस डिजिट को हटाएंगे तो इसकी जो पहली वाली डिजिट है उसमें 1 प्लस हो जाएगा, यानी आपका जो ये नंबर होगा राउंड ऑफ के बाद 1. यहाँ पे 1 हो गया है तो ये 18 हो जाएगा, 18। या हम ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर नंबर है 2.768, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आप लास्ट डिजिट को हटाना चाहते हैं तो 1 आगे ऐड हो जाएगा, यानी आपका नंबर हो जाएगा राउंड ऑफ के बाद 2.7। अब अगर डिजिट 5 से कम होती है, 5 से छोटी होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे क्या होगा, आप इस नंबर को तो हटा देंगे लेकिन इससे जो पहले डिजिट है उसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे, यानी आपको किसी भी तरीके से कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, जैसे कि इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2.7। इसी तरीके से अगर हम नंबर लें 3.821, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लास्ट वाले डिजिट को हटाते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 3.82, क्योंकि 1 क्या है आपका 5 से छोटा है, और अगर आप 1 को हटाते हैं तो यहाँ पे जो उससे पहला नंबर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। द रूल बाय कन्वेंशन इज दैट द प्रीसीडिंग डिजिट is raised by one if the insignificant digit to be dropped, the underlined digit in this case is more than 5 and is left unchanged if the later is less than 5. यानी ये जो rule है ये कब लगता है, जब आप किसी जो है digit को छोड़ना चाहते हैं अगर वो 5 से बड़ी है तो 1 उससे पहली वाली digit में add हो जाएगा,
वरना आप क्या करेंगे, अगर 5 से छोटी डिजिट है तो आप उसे एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, परिपाटी के अनुसार नियम यह है कि यदि उपेक्षणीय अंक पूर्वोत्तर संख्या में आधे रेखांकित अंक 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में एक की वृद्धि कर दी जाती है, और यदि यह उपेक्षणीय अंक 5 से कम होता है तो पूर्ववर्ती अंक में अपरिवर्तित रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका बट व्हाट इफ द नंबर इज 2.745 इन विच द इनसिग्निफिकेंट नंबर इज 5। हियर द कन्वेंशन इज दैट इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप एंड इफ इट इज ऑड देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज टू 1। यानी अगर आपके पास इस तरीके का नंबर आ जाता है 2.74 तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप 5 को हटाना चाहते हैं। अगर इससे पहली डिजिट, ठीक है, इससे जो पहली डिजिट है वो अगर इवन है, क्या है, इवन है, ठीक है, कैसी है आपकी, इवन है यानी सम है, तो आप क्या कर देंगे, अगर यहाँ पे आपके पास डिजिट इवन है तो जो आपकी डिजिट है उसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे। वहीं अगर अगर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड है यानी विषम संख्या, तो आप क्या करेंगे, आप इससे पहली वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे, यानी 2.76 आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस केस में राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन यदि संख्या 2.745 है, इसमें उपेक्षणीय अंक 5 है, तो क्या होता है, यहाँ परिपाटी यह है कि यदि पूर्ववर्ती अंक सम है तो उपेक्षणीय अंक को छोड़ दिया जाता है, और यदि यह विषम है तो पूर्ववर्ती अंक में एक की वृद्धि कर देते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में समझा, ठीक है, सार्थक अंक क्या होते हैं ये जाना। अब इसी के अनुसार आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आपका पहला प्रश्न है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर टू बी 7.203 मीटर। किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या दिया गया है, एक आपके पास घन है, उसकी साइड दी गई है, उसका साइड या भुजा का माप दिया गया है, और आपको यहाँ पे जो है इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। आपको क्या दिया गया है, साइड ऑफ क्यूब, घन की भुजा कितनी दी है, 7.203 मीटर। आपको पहले क्या निकालना है, का पृष्ठ क्षेत्र यानी सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सिक्स इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे,
तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये, ठीक है, 59.29925। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अगर आप इसे सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो ये आपका आएगा 59.9 का 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना। नेक्स्ट हम आयतन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है यानी वॉल्यूम निकालना है। तो ये आपका होगा साइड का क्यूब यानी 7.203 का क्यूब। तो ये आपके पास आया 7118871447। ये आ गया आपका 71.18871442। ठीक है, ये आपका मीटर क्यूब में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर है उनकी सार्थक संख्या कितनी है, 4। तो ये भी आप 4 तक है, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से आप छोड़ देंगे इसे तो ये 7.1, ये 8 है तो ये आप पे 9 हो जाएगा, 9 मीटर। तो इस तरीके आपको इसको सॉल्व करना। बच्चों, आज हमने सार्थक अंकों के बारे में समझा। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हमने आपके जो दो न्यूमेरिकल हैं उन्हें करें। हमने ये देखा कि इस प्रकार से आपको सार्थक संख्याएं लेनी है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आपको इसे रिवाइज करना है और
किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।